बचाव के लिए आप भी अपनाएं ये तीन उपाय। 2 गज दूरी का पालन करें, मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग अवश्य करें, अपने हाथ और मुंह को हमेशा साफ रखें। जीवन की महत्वपूर्ण टैगलाइंस के साथ स्वागत है आप सभी का बस्तर की बात में। मैं हूं नीलम साहू। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। क्रिसमस का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, गिरिजाघरों में की गई विशेष प्रार्थना, जनप्रतिनिधियों ने मसीही समाज के लोगों को दी बधाई। इंटक के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललित मिश्रा ने कहा, NMDC नगरनार इस्पात संयंत्र को निजी हाथों में जाने नहीं देंगे। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती, सुशासन दिवस पर भाजयुमो ने आयोजित किए अनेक कार्यक्रम। और ग्राम ताईपदर में निर्माणाधीन मिनी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का कलेक्टर ने किया निरीक्षण। अब खबरें विस्तार से। बस्तर में भी क्रिसमस का पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर शहर के सभी गिरिजाघरों और अपने घरों को लोगों ने खास तौर पर सजाया था। शहर के प्रमुख मैथोडिक और कैथोडिक गिरिजाघरों में सप्ताह भर से चल रहे कार्यक्रमों के बाद शुक्रवार सुबह विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस मौके पर मसीह समाज के साथ अन्य समाज के लोग भी एकजुट हुए और एक दूसरे को क्रिसमस की बधाइयां दी। हजारों की संख्या में इकट्ठा होकर लोगों ने गिरिजाघरों में प्रार्थना की और बस्तर में अमन चैन शांति और समृद्धि की कामना की। शहर के जनप्रतिनिधि भी इस मौके पर मसीह समाज के लोगों को बधाइयां देने पहुंचे। जगदलपुर में भी 25 दिसंबर क्रिसमस का त्यौहार बड़ी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। साथ ही शहर के सभी गिरिजाघरों में मसीह समाज के लोगों द्वारा विशेष आराधना की गई। लोगों ने एक दूसरे को केक खिलाकर त्यौहार की बधाई दी और गले मिलकर इस पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाया। साथ ही गिरिजाघरों में विशेष प्रार्थना अर्चना कर बस्तर में अमन चैन की दुआएं मांगी। शहर में कड़ाके की ठंड पड़ने के बावजूद मसीह समाज के लोगों ने आधी रात से ही प्रभु यीशु के जन्म दिवस को बड़े धूमधाम से मनाया और बस्तर में कोरोना के खात्मे और अमन चैन की प्रार्थनाएं की। पास्टर रेवनलोल दास ने हमें बताया, यीशु के जन्मदिन के उपलक्ष में पूरे संसार में उनका जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है और हमें भी एक अवसर मिला कि हम बड़े आनंद के साथ यीशु मसीह के जन्मदिन को मनाने के द्वारा जो उनका स्वभाव है प्रेम, लोगों की सेवा करना और उस कार्य को करना जिसके द्वारा लोग जानने पाए कि हम यीशु मसीह के पीछे चलने वाले हैं और यही महत्व है कि हम किस तरह से इस संसार में मानवता को स्थापित करें, लोगों के साथ मिलजुल के रहते हुए लोगों का आदर सम्मान करते हुए इन्हीं बातों को हम यीशु मसीह के द्वारा सीखने पाए हैं और उन्हीं शुभ संदेश को उनके जन्मदिन के उपलक्ष में दिया जाता है कि वो किस तरह से अपने आप को इतना नम्र करे। वो कोई महल में बड़े घर में उन्होंने जन्म नहीं लिया लेकिन एक गौशाले में, यहूदिया के बैतलम एक गौशाले में उन्होंने जन्म लेके इस बातों को बताया कि किस तरह से उनका जो जन्म है नम्रता से भरा हुआ है, दीनता से भरा हुआ है। वो हमारे शांति के राजकुमार हैं और जो भी उस पर विश्वास करता है उनके मनों में यीशु मसीह आनंद खुशी को लेके आते हैं कि उनके साथ हम रिश्ता कायम करते हुए प्रभु परमेश्वर को हम धन्यवाद दें। जिलाध्यक्ष कांग्रेस राजीव शर्मा ने कहा, क्रिसमस की समस्त प्रदेशवासियों को कांग्रेस परिवार की ओर से बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। क्रिसमस आज हमारे बीच में एक हर्षोल्लास लेकर आया है जिसमें आज हमारी प्रभु से यही प्रार्थना है कि जल्द से जल्द देश और दुनिया इस विषम परिस्थिति से बाहर आए और जो इस समय संक्रमित हुए या आज हमारे बीच में नहीं है उनके प्रति हम पीड़ित मानवता की सेवा के काम में आए। हमारा भाईचारा, प्रेम, स्नेह आपस में समस्त प्रदेशवासियों और देशवासियों से सदैव बना रहे, इसी शुभकामनाओं के साथ कांग्रेस परिवार की ओर से क्रिसमस की समस्त प्रदेशवासियों और देशवासियों को बहुत बहुत बधाई शुभकामना। बस्तर का सपनों का कारखाना नगरनार स्टील प्लांट के निजीकरण को लेकर अब बस्तर वासियों के साथ इंटुक के प्रतिनिधि देश की राजधानी दिल्ली में प्रदर्शन करने की तैयारी में हैं। बस्तर पहुंचे इंटुक के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललित मिश्रा ने जगदलपुर के कांग्रेस भवन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि नगरनार स्टील प्लांट को केंद्र सरकार ने निजीकरण करने की ओर ढकेल दिया है।
बस्तरवासी और नगरनार के बेरोजगार के साथ धोखा हुआ है, लेकिन अब केंद्र सरकार और एनएमडीसी के अधिकारी सतर्क हो जाएं। किसी भी कीमत में अब बस्तरवासी चुप नहीं रहेंगे, चाहे जो भी करना पड़े। वहीं उन्होंने कहा है कि बस्तर के जनप्रतिनिधि और जनता के साथ विचार विमर्श कर जल्द ही दिल्ली कूच किया जाएगा। और अब ये लड़ाई बस्तर की ही नहीं है, कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ दिल्ली में महाप्रदर्शन किया जाएगा। नगरनार स्टील प्लांट जो एनएमडीसी का जो प्रोजेक्ट है, उसका निजीकरण का जो प्रयास किया जा रहा है, वो केंद्र सरकार की योजना है। और केंद्र सरकार के हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, वो अडानी, अंबानी, टाटा, इनकी गोद में जा कर के बैठ गया है। इस कारण से ये अब उनकी ओर से संभव नहीं है, निजीकरण के लिए वो उतावले हो रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो अब हम जनबल को अपना ब्रह्मास्त्र बनाएंगे और जनबल के माध्यम से इस प्लांट को, अगर निजीकरण होगा, हम इस प्लांट को चालू होने ही नहीं देंगे, चाहे उसके लिए किसी भी स्तर पर उतर कर हमको एक्शन लेना पड़े, चाहे हमारे आंदोलन के स्वरूप को क्रांतिकारी रूप देना पड़े। हम अपने परिवार को, यहाँ की जनता को, बस्तरवासियों के परिवार के भविष्य को तबाही से बचाने के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म जयंती आज भारतीय जनता पार्टी जिला बस्तर द्वारा सुशासन दिवस के रूप में गरिमामयी ढंग से मनाई गई है। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय वाजपेयी को श्रद्धा सुमन अर्पित कर उनका स्मरण किया। वहीं महारानी अस्पताल में मरीजों को फल वितरण सहित विविध कार्यक्रम भाजपा जिला कार्यालय में सम्पन्न हुए। इस मौके पर कवि सम्मेलन का आयोजन भी किया गया। 25 दिसंबर को स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मनाया गया। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने सुबह महारानी अस्पताल में मरीजों को फल वितरित सहित जरूरत की सामग्री प्रदान की और उनका हालचाल पूछा। भाजपा जिला कार्यालय में सभा का आयोजन कर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने भारत रत्न स्वर्गीय अटल के तैलचित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें याद किया। इस मौके पर प्रदेश महामंत्री किरण देव ने अपने संबोधन में कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी अजात शत्रु थे। उनका यशस्वी जीवन हम सभी कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा स्रोत है, जो हम सभी कार्यकर्ताओं को सादगी सरल के साथ संगठन के प्रति पूर्णतः समर्पित होने की दिशा देता है। श्रद्धांजलि सभा को भाजपा जिलाध्यक्ष रूप सिंह मंडावी, विद्या शरण तिवारी, सुरेश गुप्ता, राजेंद्र वाजपेयी ने भी संबोधित किया। अटल जी के व्यक्तित्व व कृतित्व पर प्रकाश डाला। जिला कार्यालय में किसान सम्मान निधि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उद्बोधन भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रोजेक्टर व बड़ी स्क्रीन के माध्यम से सुना व देखा। इसके पश्चात कवि सम्मेलन के आयोजन में समूचे बस्तर संभाग से आए कवियों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से कवि हृदय अटल बिहारी को याद किया व देशभक्ति से ओतप्रोत अपनी रचनाएं प्रस्तुत की। माँ दुर्गा मेरे 9 दिन के उपवास का एक बड़ा वरदान देना, एक दिन नहीं, एक जन्म नहीं, हजारों हजार जन्म देना, जिनको है पप्पू से उम्मीद उनको पप्पू जैसी औलाद देना, जिसको है घमंड मोदी का उसको मोदी जैसी संतान देना। कि काल की कपाल पे जो लिखता मिटाता है, कि काल की कपाल पे जो लिखता मिटाता है, उस पे मैं क्या लिखूं जो गीत नया गाता है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जयंती के अवसर पर प्रदेश मंत्री किरण देव ने कहा, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी और मैं तो ये कहूंगा देशवासी भी श्रद्धेय पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती को मना रहे हैं हम सब। और उसी के तारतम्य में हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा आज इस प्रमुख दिवस पर 18,000 करोड़ की राशि सिर्फ एक बटन दबाकर करीब 9 करोड़ किसानों के खाते में ये राशि जाएगी किसान सम्मान निधि की योजना के तहत। और उसका उद्बोधन का भी, उनके उद्बोधन को भी पूरा देश आज सुन रहा है। इस तरीके से आज हम अपने ऐसे दिवंगत नेता, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री
अटल बिहारी वाजपेयी जी को सभी कार्यकर्ता एक साथ मिलकर उनका पुण्य स्मरण कर रहे हैं। हम सारे अपने बूथ स्तर तक, हमारे मंडल स्तर के कार्यकर्ता, हमारे बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता और इस आयोजन से जुड़कर अपने प्रिय नेता को अपने श्रद्धा सुमन पुष्पांजलि के रूप में अर्पित कर रहे हैं। जिलाध्यक्ष रूप सिंह मंडावी ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा, आज भारतीय जनता पार्टी पूरे भारत में हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती को सुशासन दिवस के रूप में मनाती है। इसके तहत पूरे मंडलों में, यहाँ तक बूथों में भी अटल जी की जयंती पे विभिन्न कार्यक्रम होते हैं। उनकी कृति और उनके कार्यों को हम निचले स्तर तक अपने कार्यकर्ताओं को अवगत कराते हैं। आज प्रधानमंत्री जी 9 करोड़ किसानों को 18,000 करोड़ रुपया हस्तांतरित कर रहे हैं उनके जन्मदिन के अवसर पे, और किसानों के लिए ये बहुत बड़ी राशि है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है, तो सबसे पहले हमारे प्रधानमंत्री जी ने और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी किसानों की चिंता की है, लेकिन कुछ पार्टियां, कुछ विपक्षी दल आज किसानों को गुमराह कर रही है। उसी के कारण आज हमारे प्रधानमंत्री जी का संबोधन है कि बहुत सारी चीज़ जो कृषि नीतियाँ जो बन के आई हैं, कृषि बिल जो है, उसमें बहुत सारी चीज़ जो है किसानों के हित में है, किसान गुमराह ना हो, इस विषय को लेकर आज माननीय प्रधानमंत्री जी का पूरे राष्ट्र के नाम पे संबोधन होने जा रहा है। हम सभी श्रद्धेय अटल जी को हमेशा याद करते हैं और उनकी कृतियों को हमेशा हमारी पार्टी याद करती रहेगी। वो एक सर्वमान्य नेता थे और सभी पार्टी के नेता उनको मानते थे। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर से मिलते हैं खबरों के साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा, कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी कमी और खामी, खूबसूरत नजारे, अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है बस्तर की बात में, आइए चलते हैं खबरों की ओर। जिले के जगदलपुर विकास खंड के सुदूर वनांचल के ग्राम में ताईपदर में निर्मित की जा रही पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में अपनी तरह का अनूठा बहुद्देश्य मिनी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का अवलोकन करने कलेक्टर रजत बंसल निर्माणाधीन स्थल पर 24 दिसंबर को पहुंचे, आइए देखते हैं रिपोर्ट। ताईपदर योजना का अवलोकन करने बस्तर जिले के कलेक्टर रजत बंसल, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी इंद्रजीत चंद्रवाल के साथ दुर्गम रास्तों और घनघोर जंगलों से होकर निर्माणाधीन ग्राम ताईपदर के गणेश बाहर नाला पहुंचे। ये योजना पूरे राज्य में अपने आप में एक अभिनव परियोजना है। बस्तर जैसे सुदूर वनांचल के दुर्गम क्षेत्रों में इसका निर्माण अपने आप में एक उपलब्धि है। इसके निर्माण पूरा हो जाने से ग्रामवासियों को बिजली की सुविधा के अलावा पेयजल और सिंचाई हेतु समुचित मात्रा में पानी उपलब्ध हो पाएगा। कलेक्टर श्री बंसल ने अधिकारियों को इस परियोजना के निर्माण कार्य को 15 फरवरी 2021 तक अनिवार्य रूप से पूरा करने के निर्देश भी दिए। ग्राम ताईपदर में विशेष केंद्रीय सहायता और DMFT मद से इस बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। इसके अंतर्गत गणेश बाहर नाला में स्टॉप डैम और टर्बाइन के अलावा कुछ दूरी पर पानी के स्टोरेज हेतु टैंक का निर्माण करवाया जा रहा है। निर्माण कार्य लगभग पूर्णता की ओर है। मौके पर उपस्थित इस परियोजना के प्रमुख सूत्रधार और वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर पुनीत ने कलेक्टर रजत बंसल को इस परियोजना के उद्देश्य और कार्य पद्धति के बारे में विस्तार से जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि इस योजना को पूरा हो जाने से ग्राम ताईपदर के लगभग 50 हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई की सुविधा मिलने के अलावा ग्रामीणों को समुचित मात्रा में पानी और बिजली मिल सकेगी। इस परियोजना को लेकर ग्रामीणों में काफी हर्ष देखने को मिल रहा है। बस्तर की बात, जगदलपुर। कमिश्नर जी आर चुरेंद्र ने जगदलपुर विकास खंड के नवीन मंडी कोपागुड़ा का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कमिश्नर श्री चुरेंद्र ने मंडी परिसर की साफ सफाई करवाने और परिसर में फलदार छायादार पौधों का रोपण करने के निर्देश उपस्थित अधिकारियों को दिए। साथ ही उन्होंने बाहरी हमालों की बजाय स्थानीय हमालों तौलियों से मंडी में कार्य लेने के निर्देश दिए। कमिश्नर ने अनुविभागीय अधिकारी जी आर मरकाम को मंडी उपमंडी में क्रय विक्रय को बढ़ावा देने के लिए तहसीलदार आरआई पटवारी जनपद सदस्यों की बैठक लेने के निर्देश दिए। साथ ही गांव-गांव में किराना दुकान छोटे व्यापारियों को किसान अपना धान ना बेचने का प्रचार प्रसार करवाएं। किसान अपना धान मंडी उपमंडी प्रांगणों में ही लाकर खुली नीलामी पद्धति से बेचें, ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करवाने को कहा। बीजापुर जिले में जिला पुलिस बल एसटीएफ और कोबरा बटालियन के संयुक्त सर्चिंग अभियान के दौरान 25 दिसंबर को पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ होने की खबर आ रही है। ये मुठभेड़ पामेड़ थाना क्षेत्र के कोमटपल्ली के जंगलों में हुआ है। इस मुठभेड़ की पुष्टि एसपी कमलोचन कश्यप ने की है। संयुक्त टीम कोमटपल्ली गादीगुड़ा धर्मावारम की ओर निकली थी। अभियान से वापसी के दौरान संयुक्त टीम को कोमटपल्ली से माओवादी का डंप बरामद किया गया। मिली जानकारी के अनुसार इस मुठभेड़ में कम 3 नक्सली घायल हुए हैं। पुलिस जवानों को घटनास्थल पर खून के भी निशान मिले हैं। जवानों को भारी पड़ता देख माओवादी भाग खड़े हुए। घटनास्थल से पुलिस को नक्सली साहित्य वर्दी दवाइयां एसएलआर का राउंड खाली खोके बड़ी मात्रा में दैनिक उपयोगी के सामग्री मिले हैं। बस्तर की छवि नक्सलगढ़ से पर्यटन के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करने कलेक्टर रजत बंसल ने इको टूरिज्म को बढ़ावा देने और टूरिज्म क्षेत्र की व्यवस्था बनाने के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों की बैठक ली। वाटरफॉल के ऊपर जो पानी जो होता है उसमें हम लोग बोटिंग का चाह रहे हैं कि वहाँ पर बोटिंग हो जाए तो लोगों को एक एक्स्ट्रा मिल जाएगा, तो रात में भी चाहे तो हम लोग नाइट स्टे भी करेगा तो रात में भी बोटिंग भी संभव है सर, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, पर दिन में भी इस सीजन में तो एटलीस्ट वो बनता है सर। चलते चलते आइए फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। क्रिसमस का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। गिरिजाघरों में की गई विशेष प्रार्थना। जनप्रतिनिधियों ने मसीही समाज के लोगों को दी बधाई। इंटक के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललित मिश्रा ने कहा एनएमडीसी नगरनार इस्पात संयंत्र को निजी हाथों में जाने नहीं देंगे। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती, सुशासन दिवस पर भाजयुमो ने आयोजित किए अनेक कार्यक्रम और ग्राम ताईपदर में निर्माणाधीन मिनी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का कलेक्टर ने किया निरीक्षण। बस्तर की बात में आज सिर्फ इतना ही, फिर मुलाकात होगी आपसे कुछ और खबरों के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।